dear students welcome in the lecture series on chemical bonding again in which we are just studying about the stereochemistry and bonding in main group compounds and in this lecture we will discuss about the nitrides metal nitrides as in the previous lecture we had discussed about the metal carbides एंड इन दिस लेक्चर इन डिटेल वी विल डिस्कस अबाउट द्लासिफिकेशन प्रिपरेशन मैथड्स प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ मेटल नाइट राइड्स तो बच्चों आपका स्वागत है इस केमिकल बॉन्डिंग की लेक्चर सीरीज में जहाँ पर हम स्टीरियो केमिस्ट्री एंड बॉन्डिंग इन मेन ग्रुप कंपाउंड पढ़ रहे हैं और uh, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेटल नाइट राइड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में इसकी हम जानेंगे एप्लीकेशंस क्या हैं क्या कैसे इनको प्रिपेयर किया जाता है और कैसे इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं ओके सो दिस इज द कंटिन्यूएशन सीरीज ऑफ मेटल कार्बाइड्स तो उस मेटल कार्बाइड्स को पढ़ने के बाद हम समझ सकते हैं कि जो मेटल के जो कंपाउंड्स हैं देखिए कि किस तरीके से इम्पोर्टेंट है इंडस्ट्रियली तो हम मेटल नाइट्राइट कहते कि नहीं कैस किसे कहते हैं ये भी बाइनरी कंपाउंड से है जहां पर आप देखेंगे मेटल डायरेक्टली बॉन्डेड होता है नाइट्रोजन के साथ उनको हम क्या कहते हैं मेटल नाइट्राइट्स कहते हैं और मेटल नाइट्राइट्स में जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो जनरली माइनस थ्री होती है इफ़ यू सी द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देन वी विल फाइंड दैट द डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ मेटल विद नाइट्रोजन इट जनरेट्स मेटल नाइट्राइट तो मेटल नाइट्राइड कैसे कैसे बन सकता है जब मेटल डायरेक्ट नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है जब मेटल डायरेक्ट अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है और या फिर हम किसी मेटल अमाइड को हीट करके मेटल नाइट्राइट का फॉर्मेशन कर सकते हैं सो दीज आर जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेटल नाइट्राइड्स क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल नाइट्राइड्स तो मेटल नाइट्राइड्स को हम मेनली चार क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं सोल्ट लाइक नाइट्राइड्स कोवल एंट नाइट्राइड्स मॉलिकुलर नाइट्राइड्स एंड इंटर स्टीशियल नाइट्राइड्स जिनको हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे जो पहली क्लास हम ले रहे हैं वो है सोल्ट लाइक नाइट्राइड्स वो नाइट्राइड जो कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं तो सॉल्ट लाइक दे आर बाय सॉल्ट एस ब्लॉक एलिमेंट्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं जैसे लिथियम है एंड एल्कलाइन मेटल्स हैं वो इस तरीके के नाइट्राइट्स बनाते हैं जैसे आपने कार्बाइड्स देखे कार्बाइड्स भी कैसे बनते हैं सॉल्ट लाइक जिसमें कि एल्कली एंड एल्कलाइन मेटल्स दे फॉर्म सॉल्ट लाइक नाइट्राइट्स इसी तरीके से जो जो सॉल्ट नाइट्राइट्स हैं उनको लिथियम एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बनाते हैं जनरल फार्मूला अगर हम देखें तो जनरली क्या होता है इनका एम थ्री एन टू एम थ्री एंड टू हो सकता है या एम थ्री एन हो सकता है एम थ्री एन तब होगा जब लिथियम एलिमेंट होगा जो कि नाइट्राइट बना रहा होगा एम थ्री एंड टू तब होगा जब एम जो है वो एक एल के लिए नाइन अर्थ मेटल होगा ओके स्टेबिलिटी अगर देखें तो स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कि किस तरीके का मेटल आयन प्रेजेंट है फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे बेरिलियम का नाइट्राइड है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ट्वेंटी टू हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड है जबकि हम एम जी थ्री एन टू को अगर देखेंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है थ्री हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड पर ये डिकम्पोज हो जाता है तो आप देखेंगे ये जो एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी करता है कि जो मॉलिक्यूल है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी ओके okay? और ये जो इजीली हाइड्रोलाइज्ड इन एयर जैसे कि आप देखिए मैग्नीशियम का नाइट्राइड है तो वाटर के साथ रिएक्ट करके ये हाइड्रोक्साइड बनाता है तो हाइड्रोलिसिस आसानी से हो सकता है एयर में और स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कि एलिमेंट कौन सा इसमें है दूसरे तरीके का जो नाइट्राइड है वो है कोवलेंट नाइट्राइड और कोवलेंट नाइट्राइड जनरली पी ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाते हैं तो पी ब्लॉक में भी स्पेशली आपने देखा था वहां पर भी आपने देखे थे कि कार्बाइड्स जो है वो थर्टीन ग्रुप बहुत बनाता है इसी तरीके से नाइट्राइड्स भी थर्टीन ग्रुप बनाता है और जो थर्टीन ग्रुप के एलिमेंट्स है से कोवलेंट नाइट्राइड्स बनाते हैं और जनरली जो फॉर्मूला होता है इनका जनरल फार्मूला होता है एम ओके और इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं कि कौन सा एलिमेंट नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है अगर हम बी को देखेंगे तो ये बोरॉन नाइट्राइड है और बोरोन नाइट्राइड को अगर स्पेशली हम देखें तो देखिए अगर हम बोरॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो कितने हैं बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं थ्री और नाइट्रोजन में कितने हैं फाइव तो टोटल तो अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखें यहाँ पर तो कितने हैं एट ओके okay. अगर हम जो अगर हम देखें कि जो बॉन्डेड जो कार्बन एटम होता है उसमें कितने वैलेंस सेल होते हैं तो बॉन्डेड अगर होगा वैलेंस सेल ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे बॉन्डेड कार्बन के एट तो जो बोरॉन नाइट्राइड होता है बी एन ये कार्बन के आइसोवेलेंट होता होता है क्योंकि कार, बॉन्डेड कार्बन में एट इलेक्ट्रॉन होते हैं और बी में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन इज कार्बन एंड इट एक्सिस्ट इन टू पॉलीमोर्फिक फॉर्म जो बी है वो दो पॉलीमोर्फिक फॉर्म में मिलता है एक तो हेजागनल फॉर्म में और एक डायमंड फॉर्म में तो दो फॉर्म स्पेशली बोरॉन नाइट्राइट की मिलती है तो अगर हम देखें कि, uh, कैसे बनता है जो हेक्सागनल फॉर्म है जो कि ग्रेफाइट की तरह होती है अगर हम उसके स्ट्रक्चर को देखें तो तो कैसे बनता है अगर बी सी एल थ्री को एक्सेस ऑफ अमोनिया की प्रेजेंस में 750 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करें तो हेक्सागनल बी एन बनता है हेक्सागनल बोरोन नाइट्राइट बनता है और ये जो फॉर्म है ये एक्जेक्टली exactly ग्रेफाइट की तरह नहीं होती बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रेफाइट ये ग्रेफाइट से क्या होती है डिफरेंट होती है okay? ओके और लेकिन अगर हम इसका इसका ग्रेफाइट की से सिमिलरिटी देखें तो दोनों ही स्लिपरी होते हैं नेचर में केवल ये नेचर इन दोनों का मिलता है इसका जो जो स्ट्रक्चर होता है जो हेक्सागनल फॉर्म होती है वो Uh, आप देखेंगे अगर इस ज्योमेट्री वाइज भी आप देखेंगे तो लेयर स्ट्रक्चर होता है जैसे ग्रेफाइट का होता है और दोनों स्लिप होते हैं बट देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस इन बिटवीन दीज टू अगर हम बी एन हेक्सा कलर फॉर्म को देखेंगे तो ये कलरलेस होती है अगर आप ग्रेफाइट को देखेंगे तो ये ब्लैक कलर का होता है जो हेक्सागनल फॉर्म है बोरोन नाइट्राइट की वो इंसुलेटर होती है और ग्रेफाइट कैसा होता है कंडक्टर होता है अच्छा कंडक्टर होता है बी जो हैक्सागनल फॉर्म है ये मोर स्टेबल है और ग्रेफाइट लेस स्टेबल है सो दीज आर सर्टन डिफरेंसेस इन बिटवीन दिस बोरोन नाइट्राइट हेक्सागनल फॉर्म एंड ग्रेफाइट अगर आप देखेंगे डिफरेंस ओके okay? और अगर हम इसकी रिएक्टिविटी देखेंगे बी एन हैक्सागनल फॉर्म की तो ये एफ टू एन एच एफ के साथ रिएक्ट कर देता है आसानी से. तो ये इस अगर हम bn को देखें जो कि कोवलेंटली बॉन्डड है यानी कोवलेंट नाइट्राइड है तो इसकी दो फॉर्म होती हैं ग्रेफाइट फॉर्म है और एक डायमंड फॉर्म है ग्रेफाइट फॉर्म के बारे में मैंने आपको यहाँ पर दिखाया और अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके का होता है कि ये आप देखेंगे अल्टरनेटिवली जो b और n है वो हेक्सागोनली पैक्ड होते हैं और ये एक लेयर है और ये दूसरी लेयर है इसी तरीके से कई सारी लेयर होंगी हेक्सागनल फॉर्म में और आप देखेंगे कि इस लेयर के जो एटम है इसका जो ये एटम जिसको हमने नाइट्रोजन कहा है वो दूसरी लेयर के बोरोन एटम के साथ अटैच्ड रहता है तो ये जो सिंपल सा स्ट्रक्चर है ये बी एन हेक्सागनल फॉर्म का है अगर हम दूसरी फॉर्म देखें बोरोन नाइट्राइट की डायमंड फॉर्म देखें तो बोरोन नाइट्राइट की जो डायमंड फॉर्म है वो कैसे बनती है अगर हम जो हेक्सागनल फॉर्म थी उस हेक्सागनल फॉर्म को अगर हम एटीन डिग्री सेंटीग्रेड एंड 85,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रखें तो क्या बनेगा फिर फिर बनेगा बी डायमंड फॉर्म तो थ्री डायमेंशनल फॉर्म बनेगी जिसको हम बी एंड डायमंड फॉर्म कहते हैं बोलो नाइट्राइट की डायमंड फॉर्म होती है

स्ट्रक्चर उसका होता है तो इसलिए इसको हम डायमंड फॉर्म कहते हैं तो एक एग्जाम्पल हमने आपको देने की कोशिश की जो कोवलेंट नाइट्राइट्स होते हैं उसमें बोरोन नाइट्राइट्स की दो फॉर्म के बारे में मैंने आपको बताया ओके? Okay? अब जो तीसरे तरीके की जो नाइट्राइट्स हैं, वो मोलिकुलर नाइट्राइट्स और उसके एग्जाम्पल्स हैं साइनोजन है फॉस्फोरस नाइट्राइड है टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइड है डाई सल्फर डाई नाइट्राइड है सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोलिकुलर नाइट्राइड ओके okay? तो इस तरीके के नाइट्राइड्स आप देख रहे हैं कार्बन भी बना रहा है फॉस्फोरस भी बना रहा है सल्फर भी बना रहा है पर यह क्या है मोलिक्यूलर टाइप के नाइट्राइड्स हैं इसमें अगर हम सिंपली देखें साइनोजन को तो साइनोजन एक कलरलेस गैस है इसकी ज्योमेट्री लीनियर होती है टॉक्सिक होता है नेचर में फ्लेमेबल है N ये सिंथेसाइज किया जा सकता है बाई द ऑक्सीडेशन ऑफ एच और एनओ टू की प्रेजेंस में भी ये ऑक्सीडेशन होता है वेरियस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स रिएजेंट्स यूज किए जा सकते हैं तो एथ की प्रेजेंस में ये ऑक्सीडेशन होता है और ये आप देख सकते हैं कि जो साइनोजन है उसकी ज्योमेट्री कैसी है लीनियर है इस तरीके की उसकी ज्योमेट्री होती है इसी में अगर हम मोलिकुलर नाइट्राइट में दूसरा नाइट्राइड देखेंगे तो सल्फर नाइट्राइट है सल्फर नाइट्राइट दो तरीके के हैं एक है टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइट एंड एक है डाई सल्फर डाइनाइट्राइड तो अगर हम इन आ, इन दोनों से क्या बन सकता है ये एक पॉलीमर भी बनाते हैं पॉलीथाइ जेल आ, पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं और इसका नाम क्या होता है पॉलीथाइ जैल Okay. तो ये देखिए किस तरीके से बनते हैं तो जो एस फोर एंड फोर है ये क्रिस्टल होते हैं और ये क्रिस्टल जो है थर्मोडाइनिकली चेंज होते हैं और अगर आप देखेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेड कलर का क्रिस्टल होता है एस फोर एंड फोर का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑरेंज कलर के क्रिस्टल होते हैं एस फोर एंड फोर और माइनस वन डिग्री सेंटीग्रेड पर कलरलेस एस फोर एंड फोर बनता है और जो एस फोर एंड फोर है वो स्टेबल होता है एयर में लेकिन स्टेबल तो होता है लेकिन थोड़े से भी शॉक अगर दिया जाए तो ये सेंसिटिव होता है शॉक ओके केज लाइक स्ट्रक्चर ये शो करता है और केज लाइक स्ट्रक्चर ये कैसा शो करता है ये है देखिए एस फोर एंड फोर अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो ब्लू कलर से दिखाए हैं दीज आर फोर नाइट्रोजन जो कि एक प्लेन में है और जो एस है वो देखिए आप अबअ अब एंड अब बिलो द प्लेन है तो ये केज लाइक -like स्ट्रक्चर होता है एस फोर एंड फोर का ओके okay? तो क्या होता है देखिए जो एस टू सी एल टू है इन प्रेजेंस ऑफ ए सीसीएल फोर सोलवेंट इट विद अमोनिया एंड फॉर्म एस फोर एंड फोर बनाता है दो सौ पचास से थ्री हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करें तो क्या बन जाता है एस टू एंड टू और एस टू एंड टू का स्ट्रक्चर ये है अगर इस एस टू एंड टू को ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाए तो ये क्या बनाता रहता है पॉलिथाइजाइल और पॉलीथाइजाइल का स्ट्रक्चर ये है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दीज ऑल आर नाइट्राइट ऑफ सल्फर्स जो कि मॉलिकुलर नाइट्राइट की कैटेगरी में आता है नेक्स्ट अगर आप देखेंगे इंटरस्टीशियल नाइट्राइड्स हैं जनरली जैसे आपने देखा कि इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स कौन बनाते थे ट्रांजिशन मेटल्स इसी तरीके से जो इंटरस्टिशियल नाइट्राइड्स होंगे उन्हें कौन बनाएगा ट्रांजिशन मेटल्स ट्रांजिशन मेटल नाइट्राइड्स भी कहे जाते हैं जो ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो इंटरस्टीशियल नाइट्राइट्स का फॉर्मेशन करते हैं एंड जनरल फार्मूला अगर हम देखेंगे नाइट्राइट्स का दैट इज एम एन एम टू एन और एम फोर एन तो इस तरीके के नाइट्राइट्स का फॉर्मेशन करते हैं और यहां पर क्या होगा कि नाइट्रोजन जो है वो इंटरस्टिशियल साइट में फिट होगा जो मेटल जो है वो क्यूबिक और हेक्सागनल कोज क्लोज पैक्ड लेटिस बनाएंगे और उसमें जो इंटरस्टिशियल साइट्स का फॉर्मेशन करते हैं उसमें ये नाइट्रोजन फिट हो जाता है इसलिए इनको हम ट्रांजिशन मेटल नाइट्राइड्स कहते हैं इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं कैसे प्रिपेयर करते हैं मेटल को अमोनिया के साथ रफली हम 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है इंटर स्टीशियल नाइट्राइट्स का फॉर्मेशन होता है दीज आर वेरी हार्ड एंड हाईली कंडक्टिंग मटीरियल्स हाईली कंडक्टिंग है दे ऑल्सो शो मेटालिक लक्चर ये मेटालिक लक्चर भी शो करते हैं एंड दे आर केमिकली इनर्ट सो दीज आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर इस्टिशियल नाइट्राइट्स ओके और देखेंगे अगर इनका हाइड्राइड्स हाइड्राइड्स होता है इसका हाइड्रोलिसिस होता है बहुत स्लो होता है एंड इट रिक्वायर्स एसिड फॉर हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस के लिए एसिड की जरूरत होती है तो एसिड की प्रेजेंस में आसानी से जो इंटर स्टेशन नाइट्राइट्स हैं उनका हाइड्रोलिसिस होता है और ये आपने देखा था दे आर केमिकली इनवर्ट इनर्ट स्टेबल सो दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग क्रूसिबल्स एंड हाई टेम्परेचर रिएक्शन बेसिस तो ये जो है क्रूसिबल्स बनाने के काम आते हैं वे हम उनकी एप्लीकेशंस uh, देखेंगे सो दीज आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ मेटल नाइट्राइट अगर आप देखेंगे रिफ्रैक्टरी मटेरियल की तरह स्टेबल है तो ये रिफ्रैक्टरी मटीरियल की तरह यूज होते हैं एंड फर्नेसेस इंसिनटर्स रिएक्टर्स स्किल्स इनकी ये लाइनिंग बनाने के लिए हेल्पफुल होते हैं बिकॉज दे आर थर्मली स्टेबल टाइटेनियम एंड सिलिकॉन के जो नाइट्राइट होते हैं दे आर यूज एज कटिंग मटीरियल एंड हार्ड कोटिंग कटिंग मटेरियल्स की तरह इतने हार्ड होते हैं कि ये कटिंग मटेरियल्स की तरह यूज होते हैं बोरोन नाइट्राइट को अगर आप देखेंगे इट इज यूज एज टेंपरेचर लुब्रिकेंट एंड नाइट्राइट्स लाइक बोरोन, सिलिकॉन नाइट्राइट्स, दे आर यूज एज इंसुलेटर्स इंसुलेटर्स क्योंकि बेड कंडक्टर्स हैं सो दे कैन बी यूज एज इंसुलेटर्स और सेमी कंडक्टर्स बिकॉज दे हैव लार्ज बैंड गैप सो ये इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स की तरह यूज़ यूज होते हैं अगर हम गैलियम नाइट्राइट को देखें तो एल ई डी में ब्लू लाइट एमीटर की तरह यूज़ होता है और अगर लीथियम नाइट्राइट को देखें तो इसकी प्रॉपर्टी है इट एफ हाइड्रोजन ओके तो इसको जो है हाइड्रोजन स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है जो कि फ्लेमेबल होती है हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन को अगर स्टोर करना है तो लिथियम नाइट्राइड का यूज किया जाएगा तो so, आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है मेटल नाइट्राइड्स और उनकी एप्लीकेशंस क्या है ओके सो वंस वी अगेन रिवाइज अबाउट दी मेटल नाइट्राइड्स आपने देखा जो मेटल नाइट्राइड्स हैं वो कंपाउंड हैं जिसमें कि मेटल डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ जुड़ा रहता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आपने देखी कि जो मेटल हैं वो नाइट्रोजन या अमोनिया के साथ रिएक्ट कर सकते हैं या फिर एमाइड जो है वो हीट करने पर नाइट्राइड का फॉर्मेशन करते हैं चार तरीके के मेटल नाइट्राइड्स हैं सॉल्ट लाइक -like जिनको एस ब्लॉक एलिमेंट बनाते हैं कोवेलेंट नाइट्राइड्स जिनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं मॉलिकुलर नाइट्राइड्स आपने देखा पी ब्लॉक एलिमेंट्स जैसे कि साइनोजन है ट्रसल्फर टेट्रा नाइट्राइड ये ये भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं और इंटर इस्टिशियल नाइट्राइड जिन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं और अगर आप इन इनकी एप्लीकेशन देखेंगे तो इनकी एप्लीकेशन ये है कि दे आर देर दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ काटिंग टूल्स दे आर यूज एज इंसुलेटर सेमी कंड एज हाइड्रोजन एबजॉर्वर सो दीज आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ मेटल नाइट राइट्स ओके तो ये इस तरीके से आपने देखा बच्चों की नाइट राइट्स जो हैं वो मेटल नाइट राइट्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं इन द इंडस्ट्रियल परपज सो सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दे आर प्रॉपर्टीज दे आर दे आर प्रिप्रेशन दे आर एप्लीकेशन ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेटल नाइट राइट्स and in the next lecture we will discuss about the metal borides okay so thank you very much